जय हिंद एंड हेलो वाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अमेजोन रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जो कि आपकी वर्क फ्रॉम होम की होने वाली है। क्योंकि गाइज यहां पर आप लोगों के बीच बीच में कमेंट्स आते रहते हैं कि सर प्राइवेट जॉब्स के बारे में भी बताइए, और अगर कोई ऐसी वैकेंसी है जिसमें कि हमें घर बैठे काम करने का मौका मिले और हमें अच्छी खासी सैलरी मिले तो उसके बारे में भी वीडियो लाइए, तो उन्हीं को कंसिडर करके मैं ये वीडियो आप लेकर के आया हूं। बट यहां पर आगे की कोई भी जानकारी देने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप में से जो भी बिजी व्यक्ति है, जो कि काफी ज्यादा व्यस्त रहते हैं अपनी लाइफ में, वो इस वीडियो को न देखे। क्योंकि गाइज यहां पर फिर आप लोग आगे जा करके कमेंट करते हैं, वो व्यक्ति जो कि जिनके मील चल रही है, जिनको लगता है कि अगर उन्होंने यहां पर एक दो मिनट तक वीडियो को देख लिया तो उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा और ऐसे में उन्हें लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि जो उनकी जो कंपनीज चल रही है जिसमें कि इतनी भारी मात्रा में उनका एक टर्नओवर हो रहा है कि उनका एक दो मिनट का ही 1 से 2 करोड़ रुपए बन जाता है और वो उनका वेस्ट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने 2 करोड़ या 1 करोड़ जो भी आपका अमाउंट है वो आप बचा लीजिए, आप इस वीडियो को न देखें। क्योंकि गाइज उनके कमेंट बाद में यही आते हैं कि आपने वीडियो की शुरुआत में ही क्यों नहीं बता दिया कि ये इस तरह से प्राइवेट वैकेंसी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं, और मैंने थंबनेल के ऊपर भी इसलिए लिखा है कि जो बिजी व्यक्ति हो बिल्कुल भी इस वीडियो को न देखे, मैंने चाहता कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट हो। तो चले गए ना बिजी लोग इस वीडियो को छोड़ करके। अब मैं उनकी सच्चाई आपको बताता हूं, वो क्या करते हैं, पूरा दिन वेले रहते हैं, कहीं यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं, कहीं इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं, कहीं फेसबुक पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, किसी एग्जाम की कोई ढंग से तैयारी उनको करनी नहीं है, और फिर वो यहां पर आकर के ज्ञान फैलते कि आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। जैसे कि बड़ी उनकी मील चल रही है ना, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, और ऐसे ज्ञान फैल करके जाते कि आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। मैं वैसे तो बहुत कम प्राइवेट जॉब्स के बारे में बताता हूं, बट मैं जब भी एक आध वीडियो इस तरह से डालता हूं तो 2-4 बुद्धिजीवी मुझे इस तरह के मिलते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए ही ये लाइन शुरू में ऐड की थी। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप वो वाले नहीं हैं जिनकी मील्स चल रही है, तो आप मेरे जैसे हैं। तो इसलिए गाइज अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सही इंफॉर्मेशन शुरू में ये वाली दी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब बढ़ते हैं इस वैकेंसी के बारे में, यानी कि जानते हैं कि ये वैकेंसी क्या है और इसमें कौन लोग एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो मैंने गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी दिया, ये लिंक ओपन करके आप यहां पर भी जानकारी चेक कर सकते हैं। बट यहां से जानकारी नहीं मैं आपको बल्कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही दिखाऊंगा। तो आप यहां पर ये जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है ये ओपन करेंगे तो आपके सामने यहां पर अमेजोन की वेबसाइट आ जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगी, जहां पर गाइज आप देख सकते हैं कस्टमर सर्विस जॉब्स, यानी कि जो आपके कॉल सेंटर होते हैं उसमें जो जॉब करते हैं उनको कस्टमर सर्विस जॉब्स कहते हैं, और ये जो काम है ये अमेजन आप घर से भी ले रही है, यानी कि आप घर बैठे इसको कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको ऑफिस में जाकर के करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइज ये आपने इसकी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो जानी, हम यहां पर थोड़ा सा नीचे आते हैं और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो जान लेते हैं। इसमें यहां पर कुछ आपको वीडियोज भी देखने को मिलेगी जिन्होंने इस जॉब को ज्वाइन किया है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। बट अभी आप यहां पर देखेंगे रेडी टू गेट स्टार्टेड फाइंड कस्टमर सर्विस जॉब इन योर एरिया, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज अभी करंटली जो जॉब एक्टिव है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर अभी 3 जॉब्स मैं फाइंड कर पा रहा हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं एक है आपकी यहाँ पर हैदराबाद TS यानी कि तेलंगाना, फिर यहाँ पर आपका पुणे महाराष्ट्र और नोएडा UP, इन 3 के लिए अभी वैकेंसी एक्टिव है। आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन आपका परमानेंट है, यानी कि अगर आप चाहेंगे तो तभी आप छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ टाइम के लिए यहाँ पर जॉब दे रहे हैं। इसमें गाइज आप यहाँ पर जैसे कि मैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट इस वाली जो नोएडा UP के लिए इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन जानेंगे कि किस तरह की जॉब है। तो आपको बोला है कि दिस रोल इज आइडियल फॉर ए कैंडिडेट लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस विद एन एक्साइटिंग, यानी कि जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस के लिए जॉब ढूंढ रहे कि मैं कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी खासी जॉब है डायनामिक कंपनी के अंदर, बेसिकली अमेजोन के अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही कहा है कि दी कैंडिडेट विल बी रेस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि कैंडिडेट को यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल रहना होगा उसकी जो कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। और उसके साथ ही आप यहाँ पर ये जो कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये आप वीडियो कॉल
से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर जाना होगा, ये भी अच्छी बात है आपके लिए, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप वीडियो कॉल के थ्रू ही इसको कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हाँ आपने कुछ इस तरह की जॉब में अप्लाई किया और फिर बाद में आपको बुलाया जाता है और उसका कोई खर्च भी नहीं मिलता और फिर वहाँ पर आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और दुख भी होता है। बट जब आप घर से ही वीडियो कॉल के ऊपर प्रोसेस कराएंगे ये आपका कस्टमर वेरिफिकेशन का, और अगर आप रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो तब आपको इतना दुख नहीं होता क्योंकि आपने घर से ही ये दिया है और आपको कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। इसके बाद कहा है कि दी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यू डिजिलेंस चेक्स एंड रिव्यू KYC डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कस्टमर, यानी कि आपको यहाँ पर बेसिकली काम सौंपा जाएगा, वो काम आपको इस जॉब में रह करके करना होगा, वो आपको यहाँ पर बताया है। आपको बोला है कि आपको यहाँ पर वी आर लुकिंग फॉर इंडिविजुअल विद गुड अटेंशन टू डिटेल एंड हु इज कंसिस्टेंट सिस्टमैटिक एक्यूरेट एंड क्रेडिबल वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज। दी कैंडिडेट शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड शुड बी राइटिंग टू वर्क इन शिफ्ट्स, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे उनकी कम्युनिकेशन स्किल होता है कि जो बातचीत करने का तरीका वो अच्छा होना चाहिए, कस्टमर को अच्छे से जवाब देने आने चाहिए, उनको संतुष्ट करना आना चाहिए अपने जवाबों से, तो इस तरह की आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पर किस तरह का काम आपको सौंपा जाएगा वो आप देख लीजिए। इसमें बोला है कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन ए क्लियर एंड प्रोफेशनल मैनर एट ऑल टाइम्स, यानी कि आपको पूरे के पूरे वक्त अच्छे से हैंडल करना होगा जो भी कस्टमर होंगे प्रोफेशनल मैनर में। फिर बोला कि प्रोवाइड्स एक्सपेडिटीज प्रॉम्प्ट एंड इफिशेंट सर्विस टू अमेजन कस्टमर डिलीवरी पार्टनर्स, तो आपको उनको आपका प्रॉम्प्ट करना होगा, बताना होगा कि कहां से कैसे जाना है, जो अभी आपको काम दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान वही काम आपको आगे बताना होगा। इफेक्टिवली मैनेज सेंसिटिविटी केसेस बाय रिपोर्टिंग अप द एस्केलेशन मैट्रिक्स, यानी कि अगर कोई ऐसा सेंसिटिव केस आ जाता है तो वो भी आपको इफेक्टिवली मैनेज करना होगा। इसके अलावा आपको जो भी एक काम होते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट के, वही काम आपको इसमें करने हैं। अब गाइस बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन या फिर 12वीं पास, अगर आपने 12वीं पास किया तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें कि आप रिटन एंड वर्बल इन इंग्लिश लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरली विद ऑल कस्टमर, ये आपको होना चाहिए। बेसिकली आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, नॉर्मल कंप्यूटर, आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। एंड 12वीं पास अगर आप है आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे, और आपकी अच्छी इंग्लिश है तो आपको और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा इसमें अप्लाई करने के बाद में। एंड बाकी जो आपको काम करने हैं वो भी आपको यहाँ पर दिए हैं। मेन चीज़ जैसे कि मैंने कहा कि आपकी ग्रेजुएशन है या फिर आप 12वीं पास है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद में स्लैश का आइकन है, तो दोनों चीज़ कंपलसरी नहीं है। अगर आप 12वीं पास है तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल आराम से 12वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी आपको यहाँ पर चीज़ें दी गई है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया, आप इसको पढ़ लेंगे अगर आपको पढ़ना है, बट जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। अब गाइस यहां पर वर्क एड्रेस भी आपको दिया है, ये वर्क एड्रेस ये है कि आप यहां पर एक बार जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आपको वहां पर जाकर के काम करना है या फिर आप घर से काम करना चाहते हैं। आपको यहां पर फ्री लैपटॉप भी मिलता है, आपको वाईफाई के पैसे भी मिलते हैं, उसका अलाउंस आपको मिलता है अगर आपके पास ऑलरेडी है। एंड यहां पर हायरिंग प्रोसेस जो है आपका वो है, आपको पहले आपको अप्लाई करना है, फिर आपका वर्क असेसमेंट देखा जाएगा, ऑनलाइन प्री हायर ओरिएंटेशन, फिर योर फर्स्ट डे, तो ये आपका इस तरह का प्रोसेस रहेगा। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई प्रोसेस नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए काफी वक्त लगेगा, काफी डिटेल्स आपको भरनी है, तो ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा कि आपको इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आपको कमेंट करना है फॉर्म फिलअप वीडियो, अगर आपके अच्छे खासे इसमें कमेंट आते हैं और 100+ लाइक इस वीडियो पर आते हैं और आपके कमेंट आते हैं फॉर्म फिलअप की वीडियो को लेकर के, तो तभी मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप वीडियो का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जो कि आप मोबाइल से कर पाएंगे और कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, यानी कि सभी स्टेप कवर करके आपको बताऊंगा। तो कमेंट कीजिए फॉर्म फिलअप वीडियो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, 100+ लाइक आने पर ही मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि गाइस काफी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, और फिर अगर आप लोगों तक न पहुंचे वो, ज्यादा लोग न देखे, तो फिर मुझे मजा नहीं आता, मुझे लगता है कि यार जो मैंने इतनी मेहनत की है वो मेरी वेस्ट चली गई। इसलिए चीज मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आपको 100+ लाइक और वीडियो के ऊपर फॉर्म फिलअप वीडियो कमेंट करना है। बाकी आप यहां से अप्लाई कर पाएंगे, आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे एंड फिर आप आगे इस फॉर्म को फिल करना शुरू करेंगे, तो उसका प्रोसेस अलग रहेगा, आप वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। एंड अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो गाइज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड अगर आप आगे भी चाहते इस प्रकार के अपडेट तो उसके लिए भी कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।